अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आज हम उर्दू की पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर पढ़ेंगे अकवाले जर्री। ठीक है, काफा और डेट डे डालें और पढ़ाई की हेडिंग दे दें। खास अल्फाज हैं इसके, सीन ये रेतरत सीरत, अलिफ ऐन आ मीम अलिफ मा लाम आमाल, ताल ये लिफ्जा नून तिनत ध्यानत, का पेश नून कुन जिम चुटिये जी कुंजी, हे पेश सिन हे पेशु सीन नून हुसन, गावजर की लामिला गिला, शीन मीम ऐन है आ शमा मीम पे स्वाद ये सी बेतेबत मुसीबत। चले, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी सूरत की नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और अमाल की अहमियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये। ठीक है, ये कवाले जर्री हैं, यानी जो डिफरेंट लोगों ने बातें बताई हैं, सुनहरी बातें बताई हैं, ये वो हैं। ठीक है, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नेक्स्ट है, दयानतदारी नेकी की कुंजी है और नेकी जन्नत की कुंजी है। ठीक है, ये फरमान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अमल का हुसन ये है कि आज का काम कल पर ना डालो। ठीक है, ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। नेक्स्ट है, अंधेरे का गिला करने से एक शम्मा जलाना बेहतर है। ये एक चीनी फलसफी थे, ये उनका कॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुसीबत इंसान को ऐसे निखारती है जैसे आग सोने को। ये है एक अतालवी शायर थे, ये उनका कॉल है। ठीक है, दोबारा मेरे साथ रीडिंग करें। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी सूरत की नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और आमाल की अहमियत है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। दयानतदारी नेकी की कुंजी है और नेकी जन्नत की कुंजी है। ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान। अमल का हुसन ये है कि आज का काम कल पर ना डालो। ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अंधेरे का गिला करने से एक शम्मा जलाना बेहतर है। ये है एक चीनी फलसफी का कौल। मुसीबत इंसान को ऐसे निखारती है जैसे आग सोने को। यह है एक अतालवी शायर का कॉल। स्टूडेंट, अब आप इसकी 2 टाइम रीडिंग करें, फिर मैं आपको इसका नोटबुक और कॉपी वर्क करवाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।